नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पोचिंग स्टॉक की सीमा जो स्टॉक लेके उसका नाम है अवंती फीड। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, फंडामेंटल काफ़ी गजब है। जब ये आप लोगों को फंडामेंटल कहूँगा दिखाऊंगा तो आप लोगों को नज़र आएगा दोस्तों, बेहतरीन फंडामेंटल के साथ स्टॉक आपको मिल रहा है 200 EMA पर। मैंने वैसे भी कह रखा है दोस्तों, जो भी अच्छे स्टॉक होते हैं उन्हें 200 EMA पे एक्यूमुलेट करते रहा करो। अच्छा, आजकल दिक्कत क्या हो रही है कि मार्केट में थोड़ा सा एक एक दो दिन ऊपर गई, दोबारा से आज नीचे आ गई, तो अब आप लोगों के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रखी है। लेकिन अभी लोगों को लगता है नहीं, वो थोड़ा गिरे वो थोड़ा गिरे, तो हम लोग इस चक्कर में रह जाते हैं। और जब मार्केट फिर दोबारा से रॉकेट बन के ऊपर चली जाएगी, फिर हमारा मन करेगा अरे यार मार्केट थोड़ी सी भी करेक्शन ले लेती और हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले लेते। तो बहुत ज़्यादा वेट मत करा करो दोस्तों। जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 17,750 उसका एक अच्छा लेवल था, मार्केट वहाँ से 600-700 पॉइंट ऊपर चली गई थी। तो जब भी आप लोगों को जो अच्छे लेवल मैंने दे रखे होते हैं, अगर वहाँ पे मार्केट मिलती है तो आप लोग अपनी एंट्री ले लिया करो। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा वहाँ से वो ज़्यादा नीचे गिर जाएगी, मार्केट है दोस्तों देर से भी ज़रूर खड़ी हो जाएगी। तो मार्केट में जो भी लेवल मैंने आप लोगों को बता रखे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे लेवल होते हैं। और आप लोग अगर मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें नज़र आती होंगी कि हमारे जो लेवल है दोस्तों काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अब आज जो स्टॉक लेके आए वो दोस्तों अवंती फीड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक अगर आप देखोगे काफ़ी दिनों से एक रेंज बाउंड में चल रहा है। इसी रेंज के आसपास है और अभी इस रेंज को तोड़ के नीचे चला गया था। और इस एरिया जो एरिया को मैंने हाईलाइट करा है अभी, यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA तीनों EMA एक जगह आ रखे हैं, यानी कि प्राइस दोस्तों काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर अब हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है दोस्तों। वैसे भी मैं अपनी जो वीडियो का मेरा मेन मोटिव होता है वो लर्निंग होता है। अगर आप लोग देखोगे तो मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को यही बताता हूँ कि स्टॉक को मैं यहाँ पर कंसिडर क्यों कर रहा हूँ। मैंने अपनी टेक्निकल वीडियो के अंदर 200 EMA और हैमर कैंडल के बारे में बना रखा है, आप लोग उसे भी जाके चेक कर सकते हो। तो मेन मोटिव दोस्तों मेरा लर्निंग है, और लर्निंग के साथ हमें अर्निंग करनी है। मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टॉक लिया कल से ही चलने लग जाएगा। कभी कभार हमारे स्टॉक एक ही दिन में चल जाते हैं, मतलब कुछ ही दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर हमें 10% मिल जाते हैं, और कभी कभार दोस्तों 2-3 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको, मैं कहता हूँ अगर 6 महीने में भी अगर आपको 10-12 टका मिल गया दोस्तों तो बुराई क्या है। मतलब 6 महीने में 10 टका मिल जाए, यानी कि साल का 20% अगर आप लोग अर्न कर पा रहे हो मार्केट से, तो कोई बुराई नहीं है। और ये ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ये सबसे वोथ कंडीशन होती है, तो आप लोग अच्छा कर सकते हो, आप लोग केवल लर्निंग के ऊपर फोकस करो। अच्छा, इस स्टॉक को आपको करंट रेट यानी कि 542 के आसपास कंसिडर करना है। इसका लेवल डिस्कस कर लेते हैं, 540 पर 35% कैपिटल लगाना है आप लोगों को। फिर आप लोग लगाओगे दोस्तों 480 पर, यहाँ पर भी आप 35% लगा सकते हो, और लास्ट में बचा आपका 435, यहाँ पर आपको 30% कैपिटल लगाना है 435 पर। अब इसके फंडामेंटल भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हंड्रेड परसेंट बाइंग रेटिंग आ रही है दोस्तों स्टॉक की। मतलब जो भी लोग हैं, मतलब जितने भी लोगों ने वोट करा है सब बाइंग करने के लिए कह रहे हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो आपको दोस्तों रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे होंगे। 2018 से 2021 में लगातार दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। प्रॉफिट जरूर 2019 और 20 में कम हुआ है, उसके लिए दोस्तों इसका बिजनेस नेचर आपको समझना होगा। तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल के टाइम से दोस्तों ये आप लोगों को डिप देखने को मिल रहा है, लेकिन 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा होगा बिजनेस आपको। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखें तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं और दोनों ही आपको ग्रीन नज़र आ रहे होंगे।
दोस्तों कोई ऐड आगे लगते हैं। सॉरी दोस्तों, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम डिस्कस कर रहे थे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो पॉइंट दे रखे हैं और दोनों ही आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूँ तो जहाँ पर इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ -1.46% है, वहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 15.5% है। गजब, यानी कि इंडस्ट्री का नेगेटिव चल रहा है दोस्तों और इसका प्लस में चल रहा है और काफ़ी डिफरेंस के साथ चल रहे हैं। कंपनी ने 5 साल के अंदर अपना मार्केट शेयर भी डबल कर लिया है, ये तो हमारे नॉर्मल व्यू के हिसाब से है। अब अगर मैं ग्रोथ व्यू की बात करूँ तो ग्रोथ व्यू के अंदर आप लोगों को दो पॉइंट दे रखे हैं और दोनों ही ग्रीन नज़र आ रहे होंगे। अगर नेट इनकम मार्जिन की बात करें तो जहाँ पर इंडस्ट्री का नेट इनकम एवरेज -158.96% है, वहाँ पर इस कंपनी का नेट इनकम एवरेज 27.16% है, यानी कि काफ़ी बेहतरीन है। और अगर हम लोग मार्जिन व्यू के हिसाब से देखने जाएं तो आपको नज़र आएगा EBITDA मार्जिन, जहाँ पर इंडस्ट्री का 7.51% है, वहाँ पर इस कंपनी का EBITDA मार्जिन 14.76% है, यानी कि डबल है दोस्तों इंडस्ट्री के मार्जिन से। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जहाँ पर इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.45% है, वहाँ पर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.14% है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है दोस्तों, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। ये तो हमारी इनकम स्टेटमेंट थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखें तो यहाँ पर इन्होंने दो पॉइंट दे रखे हैं और दोनों ही ग्रीन नज़र आ रहे हैं और काफ़ी डिफरेंस के साथ नज़र आ रहे हैं दोस्तों। ग्रोथ व्यू के हिसाब से भी दो पॉइंट दे रखे हैं और दोनों ही ग्रीन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन है। इवन कैश फ्लो भी दोस्तों इसका ग्रीन नज़र आ रहा है, तो मतलब गजब फंडामेंटल है 200 EMA के पास आ रखा है। और उससे अच्छी एक चीज़ दोस्तों, जैसा कि मैं बताता हूँ कि जब भी मैं कोई स्टॉक कंसिडर करता हूँ तो उसके अंदर मैं रिटेलर की पोजीशन ज़रूर देखता हूँ, रिटेलर क्या कहते हैं। तो रिटेलर भी आप लोगों को दोस्तों डिक्रीज करते हुए नज़र आएंगे। अब तक का सबसे कम होल्डिंग इस क्वार्टर में आप लोगों को नज़र आ रही होगी। जून 2020 से सितंबर 2021 में सबसे कम होल्डिंग इस क्वार्टर में दोस्तों, तो ये पैसा जा कहाँ पे रहा है ये भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स ऑलमोस्ट सेम है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है, DII ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है, FII थोड़े से डिक्रीज कर रहे हैं। तो मतलब म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, रिटेलर एग्जिट कर रहे हैं, स्टॉक 200 EMA के पास आ रखा है, फंडामेंटल काफ़ी गजब है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को इस स्टॉक को यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।